हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। और इस वीडियो में मैं बात करना चाहूँगा जो हाउसबिल्डिंग है मीडिया डिज़ाइनर की, उसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा आप लोगों से कि आप लोग कैसे अप्लाई कर सकते हो और आप लोगों को क्या सैलरी मिलेगी और कितने साल की है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 3 साल बोल दिया मैंने, 3 ईयर्स कि ये हाउस बिल्डिंग है। और इसमें पहले साल में आपको जो पैसे मिलेंगे वो 585 से 990 के बिटवीन, और सेकेंड ईयर में आप लोगों को मिलेंगे 690 से 1030 के बिटवीन, और थर्ड में 790 से ले के 1080 के बिटवीन। ये तो हो गई पैसों की बात, मनी डजेंट मैटर एक्चुअली इन हाउस बिल्डिंग, क्योंकि इसमें तो वैसे ही लो पेड मिल ही रहा है। तो आप करोगे क्या इसमें, जो मीडिया डिज़ाइनर है उसमें आप जो फ्लायर्स, जैसे फ्लायर्स बनाते हैं ना लोग इन्फॉर्मेशन वाले, पोस्टर्स, ब्रोशर्स और मैगजीन्स की डिज़ाइनिंग वगैरह का काम रहेगा, और इसी में आप जो है वो मेनली अपना काम करते रहोगे। और पब्लिशिंग हाउसेस, एडवर्टाइजिंग कंपनीज जो हैं, और मल्टी मीडिया एजेंसीज, इस तरह की कंपनीज में आपको काम मिलेगा और आप अपना जो है वो हाउस बिल्डिंग शुरू कर लोगे। अच्छा, जब 1.5 साल, 1.5 ईयर्स आपका गुजर जाएगा ना हाउस बिल्डिंग का, तो फिर थोड़ा सा क्रिटिकल सिचुएशन आ जाएगी आपकी। तो फिर स्कूल में आप लोगों से पूछा जाएगा कि 3 स्पेशलाइजेशन होती हैं इसके अंदर, तो वो आपसे बोलेंगे कि कोई एक चूज़ करो, क्योंकि आप ऑल 3 लेके कर नहीं सकते, ये इम्पॉसिबल है। ये फिर बाद में आप सीखते रहना साथ साथ। तो 3 ऑप्शंस होंगे आपके पास, वो मैं बता देता हूँ कौन कौन से ऑप्शन होंगे। एक तो है सबसे पहला कंसल्टिंग एंड प्लानिंग का, तो आप जो है वो कस्टमर्स को कोई आया तो गुड एडवाइस दोगे कि कैसे वो प्लान कर सकते हैं, ठीक है, और कौन सी बेस्ट पॉलिसीज़ हैं आप लोगों के पास, कौन सी चीपर पॉलिसीज़ हैं, कौन सी उनको सूट करेंगी, अगर वो आप लोगों से अपनी चीज़ें जो है वो प्रिंट वगैरह करवाते हैं तो। और नंबर 2 पे जो चीज़ आ जाएगी वो है कॉन्सेप्शन एंड विजुलाइजेशन की, ये चीज़ है सेकंड वाली आपकी स्पेशलाइजेशन। और इसके अंदर जो है वो आप ऑर्डर्स जो भी आएंगे उनको एनालाइज करोगे कि कितने कहाँ से आ रहे हैं ऑर्डर्स, और क्या डेटा है, और पिछले महीने कैसा रहा था और इस महीने कैसा है। तो ये सब चीज़ें हैं आपकी, आप ये सारा काम करोगे। मुझे लगता है सेकंड वाली इतनी मुश्किल नहीं है। और थर्ड वाली जो है वो है डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी, कि आप छोटी सी जगह में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कैसे दे सकते हो, कौन से कलर्स मैच होते हैं किसके साथ, और ये सब चीज़ें इसके अंदर हैं। ये बहुत डिटेल में उन लोगों ने मुझे बताया था एक्चुअली, मेरे पास सब कुछ लिखा हुआ है जो मुझे इन्फॉर्मेशन दी गई है, मगर मैं अगर पूरा वो बताने लग गया तो वीडियो शायद 2 घंटे की हो जाएगी। तो मगर मैंने बेसिकली 3 चीज़ें बता दी है, ये 3 स्पेशलाइजेशन के ऑप्शन आपके पास रहेंगे, और ये आप फिर एक चूज़ कर सकते हो उसमें से। तो उसके बाद जो है, जब आपकी हाउस बिल्डिंग कंप्लीट हो जाएगी तो फिर भी आपका लर्निंग का प्रोसेस इसमें चलता रहेगा। ये फील्ड ऐसी है क्योंकि कोई नया सॉफ्टवेयर आ गया, सॉफ्टवेयर की अपडेट हो गई, उसमें कोई नया ऑप्शन आ गया, तो आपकी ट्रेनिंग ऑन जॉब चलती रहेगी। तो मैं ये पहले से ही क्लियर कर दूं कि ऐसा नहीं है हाउस बिल्डिंग ख़त्म करने के बाद आपकी ट्रेनिंग ख़त्म हो जाएगी, आपकी ऑन जॉब ट्रेनिंग चलती रहेगी, मगर ऑब्वियसली पैसे आपको ज़्यादा मिलेंगे, हाउस बिल्डिंग वाले पैसे नहीं मिलेंगे। तो ये चीज़ें मैंने बता दी आपको। और उसके बाद भी आप अपने हाउस बिल्डिंग जब 3 साल की कंप्लीट कर सकते हो, तो कुछ और भी क्वालिफिकेशंस हैं जो हासिल कर सकते हो इस फील्ड में, जो कि ज़रूरी हैं आप लोगों को बताना। एक तो है कोई क्रिएटिविटी टेक्निक्स जो नहीं आ रही हैं वो आप लोग सीख सकते हो, डिजिटल फोटोग्राफी में आप लोग जो है वो स्किल्स हासिल कर सकते हो, ऑडियो विजुअल जो है वो प्रोडक्शंस हैं उसके अंदर भी आप जो है वो अपनी स्किल्स को एनहेंस कर सकते हो। ऑब्वियसली जितनी स्किल्स आप अपनी ज़्यादा सीखते जाओगे उतने आपकी सैलरी जो है वो एड अप होती जाएगी। तो ये कुछ चीज़ें थी, मैंने सोचा आप लोगों को ये बता दूँ इस फील्ड के बारे में, और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी हैं इस फील्ड के बारे में, कि 2007 में जो जर्मनी में जो है वो सिर्फ 3300 स्टूडेंट थे पूरे जर्मनी में जो मीडिया डिज़ाइनर की हाउस बिल्डिंग कर रहे थे, मगर अब मोर देन 10,000 स्टूडेंट्स हैं।
तो बहुत बड़ा फ़र्क आया है। और ये ख़त्म करने के बाद, ये सब स्किल सीखने के बाद भी बात ख़त्म नहीं होती। आप कम्युनिकेशन डिज़ाइन या मीडिया स्पेशलिस्ट के अंदर भी अपनी जो है वो बैचलर्स या मास्टर्स भी कर सकते हो। ज़ाहिर है पहले तो आपको बैचलर्स करना पड़ेगा, फिर मास्टर्स भी करना पड़ेगा। तो ये एक और ऐसी फील्ड है जहाँ पे आप अपना मास्टर्स भी अचीव कर सकते हो। तो मुझे लगता है बहुत ही एक अच्छी फील्ड है ये, और टेक्निकल फील्ड भी है, और ये आने वाला दौर तो पूरा ही डिजिटल होने ही वाला है। तो इसीलिए इसके अंदर आपका, अगर आप एक आर्ट है, आपके पास एक स्किल आ जाती है, तो आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट हो सकता है जर्मनी में। और कंपनीज इसकी मोर देन 25,000 जॉब प्लेसेस है, आप लोग अप्लाई कर सकते हो। और वो आप लोग मेरी कोई और वीडियोस देख सकते हो जहाँ पे मैंने डिफरेंट जॉब पोर्टल्स के बारे में बताया हुआ है। तो फिर मैं आप लोगों से मिलूँगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।